मॉर्निंग गाइस। तो मैं क्या आज मेरा टाइम है अभी यहाँ से अंटा जाए। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name, and I feel angels around when I start to say. आज मेरा टाइम है अभी यहाँ से अंटालिया जाने का। तो रेडी वेडी हो गया मैं। पहले तो आज सुबह क्या वो सुनो, टूथब्रश और वगैरह वगैरह मेरा मिल ही नहीं रहा था, बैग में नीचे दबा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मिला। पहले तो मैंने गिवअप कर दिया कि नहीं मिला था तो छोड़ो, क्यों वरी करना। बट मैंने लास्ट टाइम देखा तो मिल गया। और आप कुछ ब्रेकफास्ट करना है उसके बाद चलते हैं, तो आपको मिलते हैं जर्नी में। हाँ, तो मेरे को ब्रेकफास्ट करने जाना था, तो शॉप्स तो क्लोज हैं, कुछ खरीदना था मेरे को, योगर्ट खरीदना था तो बंद है, क्या करें। चलो एनीवेज, मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेता हूँ कैसे भी, थोड़ा सा वेट करके तब तक फ़ोन वोन चार्ज करता हूँ, फिर योगर्ट ले आऊँगा ब्रेकफास्ट करके, फिर निकल जाऊँगा। तो भैया जी, अपने बस्ते के साथ तैयार हूँ मैं, और अब चलते हैं बस स्टैंड और वहाँ से अंटाली। तेशकर इद्रिन फॉर द ड्राइव, तेशकर इद्रिन बस स्टैंड ओतोगार तेशकर इद्रिन। मैं इनको बता रहा हूँ कि ये मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ रहे थे, इसीलिए मैं इनको थैंक यू कह रहा हूँ। और इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको आगे जाना है, तो मैंने बोला हाँ। तो बस एक स्ट्रेंजर के साथ जा रहा हूँ, अब वो मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ देंगे और वहाँ से फिर मैं अंटालिया जाऊँगा। तो मज़ा आ रहा है, मतलब कितने अच्छे लोग हैं टर्की के कि उन्होंने मेरे को लिफ्ट खुद ही दे दी। तो ऑफ तो बस ऐसे कर दिए। Your name? Aladdin. Aladdin. Yes. Aladdin or Aladdin? Aladdin. Okay. Aladdin is famous show in India. What is your name? Purushottam. Purushottam. Puru? Shottam. Shottam. Yes, Purushottam. Purushottam. Yes. एड कर रहा है अपना फेसबुक, तो फ्रेंड्स बन जाएंगे हम फेसबुक के ऊपर। तो इन्होंने मेरे से फेसबुक पूछा, मैंने कहा श्योर क्यों नहीं ऐड कर लेते हैं, तो कर लेते हैं इनको ऐड फेसबुक पे। और पीछे बैलून उड़ रहा था आपने देखा। तो भैया हालांकि कल मेरे साथ हुआ था बुरा एक्सपीरियंस वो मिनी बस वाले के साथ, बट आप देख सकते हो कि अगले ही दिन कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ये। ये बता रहे थे पामू काले ऊपर देखने के लिए, तो मैंने देख ही लिया कल और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। और आप देख ही सकते हो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दी, और कल मेरे जो 15 लीरा बर्बाद हुए वो बच गए। और बस तो सक्सेसफुल होते जा रहा है दोबारा से ट्रिप, अच्छा लग रहा है, चलते हैं। सो बात करते करते बस टर्मिनल आ गया। तेशकर इद्रिन बस प्लेटफॉर्म, यस।
10, 11, 12, 3 platform. Okay. Teshekuridrem. Let's go. So I have met this guy. He's from Ireland. He's from Ireland. Just tell your name. Nah, this guy go on YouTube. Get cancelled, man. You can convert the language. I'm going to talk now in Hindi. You can change the language. Chinese, Turkish, Thailand? Thailand. I don't know. English. So it's done. Now, यहाँ पे आ गए. यहाँ पे game भी है. Internet use कर सकते हो, news पढ़ सकते हो, कुछ order करना हो कर सकते हो, stop call कर सकते हो, TV देखना भी, game देखना, game भी तो hill climbing है. Come down. I just watching you guys. तो ये सारे गेम ये खेलते हैं क्लाइमिंग. मेरे होस्ट का घर यहाँ पर है. फाइनली अपने होस्ट के यहाँ पहुँच गया. अब घर के पास जाते हैं. माउंटेन्स में घर है पूरा. काफ़ी तगड़ा लोकेशन है भाई. रिग्रेट तो नहीं हो रहा, पैसे भी बच रहे हैं और ऐसी जगह पर रहने का मौका भी मिल रहा है. वो पीछे माउंटेन हाइट देखो. चलो चलते हैं होस्ट के यहाँ, फिर मिलते हैं आपसे. सो फाइनली अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैं अपने होस्ट के साथ बैठा हूँ. यहाँ पे हम बस पॉलिटिक्स की बातें बतिया रहे हैं. US, यूरोप, यूक्रेन, रशिया के बारे में बातें हो रही हैं और ये मेरे को बता रहे हैं टर्की और अर्मेनिया के बारे में. तो लड़ाइयाँ तो हर जगह होती रहती हैं, बट इनके थॉट्स बड़े अच्छे हैं और बड़े बैलेंस्ड थॉट हैं इनके. मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे इनसे बातें करते हुए. और अब यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो धीरे धीरे इनसे और बातें होती रहेंगी. तो मैं बस आपको दिखाता हूँ ये हैं कौन. तो टेल योर नेम नाउ. यूजल. यूजल. सो इनका नाम है यूजल, ठीक है. और काउच सर्फिंग में इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी तो मैं इनसे बात बात करी, फिर मैं यहाँ पे रहने के लिए. और ये माउंटेन्स के पास में रहते हैं. आप देखो व्यू, देखो कितना प्यारा है. अगर आपको इनके घर पे आना हो तो आप बिल्कुल आओ, यहाँ पे काउच सर्फिंग करो और ऐसा व्यू मिलेगा. और ये काफ़ी हॉस्पिटेलेबल हैं और यू विल हैव गुड टाइम विद देम. या सो मिलते हैं आगे और बातें करेंगे. सो ये मेरे को यहाँ पे अपने बाथरूम के रूल्स बता रहे हैं. तो इन्होंने बताया कि ये दो चप्पलें हैं, इनको कभी भी आप यहाँ बाहर लेके मत आना और आप उसको अंदर ही नहा के उसको अंदर ही यूज करना. और ये बता रहे हैं कि इनका ओल्ड सिस्टम है यहाँ पे. So tell me now ahead. So tell me now ahead. For example, you want hot water. Okay. And this is old system. It's all right. Even electric. In India, my father used this. Yeah. My father. Yeah. And now summer season. Okay. Very hot. Yes. It is water. Yes. Normal. Yeah. Normal. But if you want more hot. No, I will just take the normal water. Yeah, normal. It is normal water. Yes. And yes. Baby shampoo. Okay. For eyes. Okay. And oil. Salmon. Okay. From oil. Not okay. Blood, not okay. Blood. I have my soap, by the way. I'll use my soap. My soap. You have. Yes. Okay. Okay.
can come start. Okay, okay. Yeah. Show me the food once. What you have made? Like, इन्होंने मेरे लिए खाना भी बना के रखा हुआ है और यहाँ पे खाना रखा हुआ है. इसके अंदर वेजिटेरियन बनाया भाई इन्होंने. काफी देख के अच्छा लगा मेरे को कि इन्होंने मेरे लिए वेजिटेरियन खाना बनाया. इसके अंदर फूड पड़ा हुआ है. अभी नहाऊंगा, फ्रेश होके फिर खाऊंगा. शो मी द फूड, हाउ इट लुक्स. या शो मी. या ओके ओके. So this is the food, chickpea potato. Turkish name is nohut. In India it is called chole. Chole. Yes, chole. This chickpea is chole. Chole. Yes, and it is very famous in India. Chole bhature. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Teşekkür ederim. I make for you. This is. Teşekkür ederim. So Turkey में ऐसे खाना खाया जाता है. ऐसे इसको बिछाया जाता है, फिर इसको इस टेबल को रखा जाता है. सर देखो कैसे रखा जाता है, देख लो आप भी. ऐसे रख दिया एंड वी कैन सिट लाइक दिस दिस साइड, राइट? या 1, 2, 3, 4 यू ईट इन सर्कल. इट्स गुड, नाइस, लाइक इट्स फीलिंग ऑफ अ फैमिली. यस ईटिंग टुगेदर, स्मॉल डिनर टेबल. Cute setup. Now let's just take the food. Yeah. So अभी food हम उठाने जा रहे हैं अपना. ये यहाँ पे खाना ready है. Host सारा काम कर रहे हैं, मतलब इतने प्यारे host हैं और सारा कुछ, मतलब पहले से खाना ready करके रखा हुआ था. मेरा wait कर रहे थे कि कब आएगा फिर हम खाएंगे. Thank you so much for waiting for me. Like you already prepared the food as well. Thank you so much. Yeah, yeah. I do. This is food. My guest, for example, my guest coming. Okay. And now in Turkish economy so bad. Yes. And yes, restaurant and so expensive food. Yes. Yeah. My still this is years. I not go in restaurant. Yes, yes. Before years ago. Some one week, second time I go to Turkish restaurant, but now so bad economy. My city and every food in home. You have like home food. Home food is the best food in the world. Yes, you know? Yes. Best and food. Economic and clean. Yeah, yes, and so hygiene. Yeah, yes. Yeah. And healthy. Healthy. In my oil. Inka ye oil. Olive ka oil hai. Bhai. Yeah. Matlab fresh oil hai. This is from your. From garden, my friend mom make. Yeah. तो इनके दोस्त की मम्मी हाथों से बनाती है तेल. भाई ये वाला ऑलिव ऑयल है, ये तेल प्रिपेयर करती है वो और इनको मिल गया ये तेल और उसी से फ्रेश फूड बनाते हैं. And restaurant food not from oil and from market. Flour okay. Oil okay. And from factory. That is not healthy. Yeah. Yeah, and junk food. Culture. Bad for liver. Liver. Yeah. Yeah. Liver. Yes. Yeah. चलो फूड खाते हैं. लेट्स ईट द फूड. नो मार्केट, नॉट फ्रॉम मार्केट, होममेड. होममेड नो, लोकल मार्केट. लोकल मार्केट ओके. ओके सो ये नेचुरल ब्रेड है इनका. और ये टर्की में ब्रेड बहुत ज्यादा खाया जाता है और ब्रेड बहुत कंज्यूम करते हैं. ब्रेड इवन फ्री देते हैं आपको रेस्टोरेंट में. भाई साहब मेरे होस्ट देखो खुद ही परोस रहे हो खाना. I'm saying you are giving to me food, like you are serving me, like this is how the host should be. I am very thankful. For this, you know. Yeah. This is the moment like I wanted to live. This is why I wanted to try couchsurfing more, you know. And people like you make the world a safe heaven, you know. Yeah. Literally heaven. They make it heaven. Yeah. I'm very thankful. Let's enjoy the meal. अब आप खाना वाना खा के फिर आपको मिलते हैं.
सो देखिए ये ऐसे करके इसको इससे साफ करना है पहले, और वो एक कटोरी लेके आए हैं उसमें सारी गंदगी यहाँ की जाएगी ऐसे करके उसके अंदर, और पूरा टेबल साफ। द टेबल इज क्लीन नाउ, दिस इज वॉशिंग एंड सेकंड टाइम। ओके सेकंड टाइम, तो ये एक बार और फिर अब लेके आ रहे हैं, अब इसे साफ करके क्लीन इट एंड देन टेक वन मोर टाइम, यस फाइनल क्लीन, यस यस। देन विद ड्राई क्लोथ एज वेल, राइट। सो देख रहे हो ऐसे करके साफ भी करना पड़ता है टेबल खाने के बाद। अब अगली बार मेरे को करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम इट इज माय टर्न टू डू व्हेन आई ईट विद द टर्किश पीपल, राइट। यस, सो ऐसे करके इसको सूखे कपड़े से पोंछना है तो सिंपल है, आपको भी पता है। इवन इन इंडिया वी डू दिस, लाइक वी कीप थिंग्स क्लीन, यू नो। नाउ फिनिश, दिस इज देयर वाटर, ओके, जस्ट वाटर, यस यस। नाउ यू वी विल क्लोज इट एंड वी विल कीप इट, राइट। ऑलराइट, नाउ बर्तन वर्तन धोने हैं तो बर्तन तो मैं ही धो दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई विल वॉश द यूटेंसिल्स, आई वॉश। नो नो, यू वेट, आई वॉश। इसको ऐसे बंद करना है। एंड नाउ आई वांट टीच यू, नाउ नॉट फिनिश। ओके ओके, दिस इज पुट हियर, ओके। वो दिस इज No, this is. Okay, okay, all right. Fold it. Yeah. Because there are... Yeah. उसके अंदर छोटे-छोटे खाने के waste पड़े होते हैं, उसको ऐसे... And this is garden. Okay. In garden you will throw it. Yeah, maybe animal. Okay, okay. Okay. And maybe compost. Okay. Yeah. सो ये ऐसे करके वहाँ पे इसको गार्डन में डाल देते हैं ताकि एनिमल्स वगैरह या कुछ कंपोस्ट बन जाए उसका, राइट। ये ऐसे यहाँ पे चप्पल आपको रखने पड़ेंगे इनके घर पे, और जूते वगैरह खोल के नीचे रखोगे तो कुत्ते भी ले जाएंगे, और ऊपर रखोगे, यस ऊपर, और अंदर लेके नहीं आना कुछ भी शूज वगैरह। घर के लिए यहाँ पे अलग से पड़े हुए हैं, आप ये पहन सकते हो। दिस इज फॉर होम, इनसाइड इनसाइड, यस यस, मेबी यू फील कोल्ड, यस या देन यू कैन यूज दिस एंड यू प्ले दिस, यस यस। सो इनको ये भी प्ले करना आता है, इट्स ऑल राइट, स्टिल यू नो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो। आप इनको ये भी बजाना आता है, व्हाट इज नेम ऑफ इट, सास, ओके सास। इसमें स्ट्रिंग्स हैं, इट इज ब्रोकन, या नॉट ब्रोकन, मेबी आई गिव ऑफिस, सास ऑफिस, दिस इज नॉट ब्रोकन, या यस यस, इट इज ब्रोकन, आई सी, इट्स ऑल राइट, बट देन यू नो इट। आप यहाँ पे डिशेज हैं, डिशेज वॉश कर लेते हैं, डिशेज मैं खुद वॉश कर लेता हूँ यार, इनको मैं क्यों करना है, आपको मिलता हूँ फिर मैं दोबारा। सो मेरे होस्ट अभी प्रेयर के लिए गए हैं, रात का टाइम है, देखो अभी वो खाना खाने वाले प्रेयर के लिए पहले गए, तो सामने घर के बगल में मॉस्क है, वो सुबह दिखा दूंगा मैं आपको। और बाकी अपने वीडियो में देखा था स्टार्टिंग में भी, जब मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, हमारे पीछे बैक साइड में वो ब्लू ब्लू कलर का, मतलब लाइट ब्लू कलर या ग्रीन कलर सा ही कह लो, वो मॉस्क था। तो वो भी प्रेयर के लिए गए हैं, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। बाकी मैं अपना रेस्ट वेस्ट करता हूँ, फ़ोन चार्ज करता हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह जो करनी है वो भी करता हूँ, तो बने रही है। आई होप आपको टर्की सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, और यार काउच सर्फिंग करें, घुमक्कड़ी जारी रखें, और घूमते रहो, और लोगों के साथ हैप्पीनेस को शेयर करना चाहिए, तभी वो हैप्पीनेस रियल होती है। अगर आप अपना हैप्पीनेस सिर्फ अपने पास रखेंगे तो वो हैप्पीनेस अपने आप कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, तो इसलिए हैप्पीनेस को ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, दूसरी टाइम काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस था मेरा, क्या होस्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, और हर चीज़ का सपोर्ट दे रहे हैं। और हाँ, एक यूट्यूबर आए थे यहाँ पे, ओम जी करके नाम है उनका, ओम नाम है बेसिकली, ओम शर्मा या समथिंग लाइक दैट, वो एग्जैक्टली नाम याद नहीं, बट वो काउच सर्फिंग से यहाँ पर आए थे, तो वो उनके बेटे का बर्थडे मनाया था, ये अभी तक प्रिपरेशन अभी तक लगी पड़ी हैं, वो एक गुब्बारा अभी तक लगा पड़ा है। तो अगर आपने, आप जानते हो ओम को, ओम जी को, तो मैं जी इसलिए लगा रहा हूँ, मेरा सरनेम मेरे को याद नहीं है, तो इज्जत भी देनी क्योंकि वो बड़े भी हैं उम्र में,
तो ओम जी ही मेरे को ठीक लग रहा है बोलना, तो चलो ठीक है। तो ओम जी के बर्थडे का, ओम जी के बेटे का बर्थडे मना था, तो काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये वाला। अभी तक मतलब प्रिपरेशन लगा के रखी हुई है, तो अगर आपने उनकी वीडियो देखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कर देते हैं प्रमोट, क्योंकि वो भी यहाँ पे आए थे, उन्हीं के चक्कर में उनका रेफरेंस देख के ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गाइस, सो ये इनके दोस्त का घर है, ये यहाँ पे वाटर डालने के लिए आए हैं। ये वाटर पूरे गार्डन में डालेंगे। साइकिल्स भी रखी हुई हैं अंधेरे में, पता नहीं आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, हो रखी। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी रखे हुए हैं, देर आर टॉयज एज वेल हेयर। सो ओके एंड देन ओके and then like there as well, yeah, 1, 2, 3 4 there, yeah, 4 okay, 5 here, okay, here, okay, 6 slow, yeah, okay. Epic. Repeating, right? Epic. ये repeat करता है. Epic. वो उनके कहने से रिपीट कर रहा है। सो दिस इज गुड स्पेस, राइट? जस्ट टू चिल, हैंग आउट, चेस खेल सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट गेम, दिस वन थावला, सो फॉर एग्जांपल बोल आतियोसु, ओके, द कच 6-1, ओके, 1-2-3-4-5-6, ओके, 6 एंड 1, ओके, दिस इज शाहमात, ओके, Chess, I know. आज के दिन इतना ही, अब आराम करने दो मेरे को, क्योंकि कल सुबह फिर मैं कुछ अंटालिया में अगर देखूंगा तो वो कल का ब्लॉग कल से शुरू करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो। पीस यू।